हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेदांत पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन मेरे के ग्रुप में सबने किए थे। ठीक है, कुछ ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए, बी हो जाएगा ऑप्शन, सी हो जाएगा ऑप्शन आपका, डी हो जाएगा
ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? जी वाला इसका आंसर होगा।
फ्रस्ट्रेशन हो गया। सनमारा शिवाय पटोड़ा। अब जो लोग और हैं सनमारा क्या कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ऐसे बन के आगे चल ठीक है, उसमें देखना होता है आपको क्या क्या हमारा आंसर सटीक हो रहा है। सटीक आंसर क्या होता है, देखिए कुछ बकील है जो इल्लत हुई है, ये पूरा मामले में सभी बकील है, पूरा बोला क्या है बकील का है। अब बकील कुछ बकील क्या होते हैं, विवाहित होते हैं, हमने क्या इसका कुछ हिस्सा ले लिया, कुछ पार्ट हो गया इसमें क्या विवाहित, कुछ वकील विवाहित होगा विवाहित है, लेकिन सभी क्या है सभी मनुष्य, हम सब मनुष्य तो है सभी लोग, पालोजी हो जाए। क्रिकेट एथलीट खेल क्या हुआ उसको बताओ, क्रिकेट एथलीट एच और को बताए, क्रिकेट एथलीट खेल क्या हुआ उसका एच एम क्या बोल रहे हिंदी बोला क्या, अच्छा ऐप वाला ये हाँ सही है, ये बोलता है पर फिस इस माने मुर्गा है, देखो क्या होगा इसका, इसको क्या माना आपने बताओ हम दोबारा बोले, को ये माना एक क्रिकेट एथलीट अलग है, एथलीट अलग हो गया ठीक है हाँ सही है बनेगा इसका, इसका आएगा एफ वाला, कैसे देखिए इसका आंसर होगा एफ, कैसे ये मैंने माना क्या, ये माना क्रिकेट पूरा, ये बोला पूरा क्रिकेट का है, क्रिकेट कैसा भी हो बच्चे खेल रहे हैं वो हम खेल रहे हैं जो बूढ़े खेल रहे हैं है तो सब खेल ही, तो क्या हुआ ये क्या पूरा खेल है, लेकिन एथलीट अलग हुआ, एथलीट क्या होता है ये अलग होता है, ये खेल नहीं है हमारा, ये कंपटीशन है ठीक है, एथलीट कंपटीशन है दौड़ने वाला, इसका आंसर होता है वाला। राजा पिता रानी क्या हुआ इसका, राजा पिता रानी क्या है, राजा पिता रानी क्या और बताओ उसका, ई सबका ई आ रहा है, बता सभी का ई आ रहा है और किसी का, थोड़ा ट्राई करो थोड़ा दिमाग लगाओ, सबका ई आ रहा है इसका फोन बात करो, रिसीव कर ले उसका फोन आ रहा है भाई, बात कर ले क्या तुम जाने को परेशान हो गए, देखिए इसका आंसर ई वाला ठीक है, कैसे समझिए समझिए फिर कैसे होगा, देखिए इसका आंसर ई वाला कैसे, देखो ये पूरा राजा बोला होगा, पूरा बोला होगा राजा का, इसको समझ नहीं आ रहा है देखिएगा, पूरा बोला होगा राजा का ठीक है, अब कुछ राजा पिता होते हैं ठीक है, कुछ राजा देखो ये हमने क्या करा, ये कुछ हिस्सा है पिता में आ गया, कुछ राजा पिता होते हैं कुछ राजा सिंपल होते हैं मैरिड होते हैं, बचे क्या रानी, रानी अलग होती है, रानी हो गई अलग ठीक है। पेन पेंसिल रेजर क्या हुआ इसका, डी वाला आंसर, पेन पेंसिल रेजर होता है, पेन कहाँ गया था, ये इसका पेन पेंसिल रेजर होता है कौन सा, डी ए डी, हाँ सुन तो लिया चला गया, इसका डी कैसे मैं बताया मेरे, पेन पेंसिल नहीं मतलब पेंसिल पेन, देखो पेन अलग होता है पेंसिल कितनी अलग होती है कोई संबंध नहीं है इसका, गर्मी कुछ माया है कुछ नहीं है समझे, अरे तो मोटिल लेके आते आप, समाज मनुष्य परिवार क्या हुआ इसका, समाज मनुष्य सी कहाँ पे, सी 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 सही है सबका, कैसे देखो समझो कैसे इसका का सी कैसे होगा, देखो ये क्या है क्या माने इसको बोले को, ये हमारा हो गया मनुष्य, ये परिवार परिवार ये हो गया परिवार, और परिवार किससे बनता है हमारा, सही परिवार जितने लोग होते हैं परिवार, जैसे हम लोग परिवार है ठीक है, तो है क्या मनुष्य तो है आप लोग क्या है सभी क्या मनुष्य है, और कुछ नाम हो तो अलग बात है, और सही मनुष्य किस में रहते हैं एक समाज में रहते हैं, सभी परिवार हो गए परिवार पूरा क्या है मनुष्य का होता है, पूरा परिवार मनुष्यों का, सभी मनुष्य कहाँ रहते हैं एक समाज में रहते हैं, आंसर ये हो जाएगा इसका। टिकट हवाई जहाज रेट, टिकट हवाई जहाज रेट डी वाला, टिकट हवाई जहाज रेट कैसे हो जाएगा डी वाला बताओ, सब अलग अलग होंगे डी एच, बताओ लड़कियां बताएं
शिवानी बताओ आंसर बेटा, बताओ मनीषा बताओ आंसर बताओ आप लोग, टिकट हवाई जहाज, दिमाग पर लगाओ कम से कम, हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज, हवाई जहाज देखा किसी ने? हाँ हाँ, कैसा होता है? पर बड़ी लड़ाई हो गई तुम लोगों की, क्यों बड़ी लड़ाई हो गई? साथ में तुम नहीं आ रहे? देखो सुनो, अरे देखो हवाई जहाज है, टिकट इसमें ही मिलता है, टिकट इसमें मिलता है, टिकट दोनों कॉमन है, टिकट दोनों मिलता है, तो 500 हो जाएगी, हो जाएगा टिकट खुला ही हो जाएगा, टिकट कर रहे हैं टिकट हवाई जहाज का ही हो गया और आपका रेल हो गया, बाकी वाले हवाई जहाज में टिकट नहीं चाहिए, कौन से वाले बोले बोल, आप तो पूछ रहा हूँ, बताओ सही है ना, बता नहीं पड़ता हूँ सही है, अच्छा मतलब क्या होगा, सही है हमारा, बताओ कौन सा डी का है, डी का है, डी से अलग कैसे हो जाएंगे, एच एच कहाँ पे, ये वाला क्या माने उसको सब टिकट के अंदर बताएंगे, गलत हो जाएगा, इसको मतलब ये होता है, देखो इसको मतलब मैं लिखा हूँ, कुत्ता लिखे यहाँ पे, सभी कुत्ता होगा, सभी कुत्ते जान के अंदर आ रहे हैं, आपके हिसाब से सभी जहाज का टिकट हो जाएंगे, नहीं टिकट सेंस गलत जा रहा है ना, सेंस गलत जा रहा है, इसका तो देखो इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, कैसे इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, समझो कैसे, हवाई जहाज का टिकट लेते हैं हम लोग, और जो बाकी बचे, बाकी जो मुकेश अंबानी है उसका एयरटेल है नहीं, उसके पास उसका हवाई जहाज है उसके पास, तो टिकट लेगा क्या, वो उसके पर्सनल यूज होते हैं, अब जैसे इसमें रेल हो गई मालगाड़ी है, टिकट के लेते हो उसका, आप नहीं लेते हो समझे, और बाकी टिकट बस उसके हो जाए, तो आंसर ये होगा इसका डी वाला, पास हम गलत करते हैं बेटा, क्या हो रहा है, गलत लग जाते हैं हम लोग, धन्यवाद थैंक यू, क्या आ रहा है आंसर, बी होगा, कैसे होगा अभी समझो, जो टिकट है कुछ टिकट होते हैं हवाई जहाज के, बाकी जो बच्चे हवाई जहाज वो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग बड़े 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 कौन बड़े लोग हैं, सब बड़े ही लोग हैं यहाँ पे, सही है, उनका हवाई जहाज हो जाएगा, और बचेगा रेल, रेल में हम तो खाली टिकट लेते हैं रेल का, मालगाड़ी टिकट मिलते हैं हम लोग, अलग हो जाएगा हमारे क्वेश्चन, इसका क्या होगा, छात्र फिर शिक्षु, ये क्या होता है फिर होता है, फिर शिक्षु का मतलब क्या होता है, फिर शिक्षु बिच्छु नहीं है, फिर शिक्षु पर क्या लिखा हम लोग, एज अ टीचर का लिखते हैं टीचर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टीचर, शोध करता है साथ क्या होगा, जो सर्च पीएचडी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो होते हैं शोध करता साथ, ये जो स्टूडेंट हो गए हमारे एफआई एफ, कौन है क्या बस कौन सा बताएं, एफ, इसको क्या माना आपने बताया, सही पीछे साथ क्या है, ये ये क्या कहलाएंगे, टीचर है, नहीं सर डी वाला मान लीजिए, इसका आंसर होगा ए वाला, ये क्या है, समझा रहा हूँ, ये शिक्षु, ये क्या हो गया हमारा, छात्र मान लो आप, इसे क्या मान लो आप, लेकिन सर ये पिछली बार तो वो आ रही है ना, उससे अलग रही है, कुछ है ना सारे थोड़ी है, क्या जो समझो समझो, जो पोर्शन जो पीछे मिल रहा है, जो पोर्शन मिल रहा है पीछे, ये मिला पोर्शन जो ये वाला, ये तीनों कॉमन पोर्शन, ये वाला हमारा, अरे कहे बात हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लो उनसे, हैं देखो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट ये क्या है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो छात्र है, तो छात्र होते हैं, हम टीचर हैं, पढ़ भी रहे हैं, छात्र हम कितने सीखे, सही है, तो हम टीचर हो गए, छात्र भी हैं और शोधकर्ता को रिसर्च भी कर रहे हैं, टीचर छात्र भी हो सकते हैं, अरे देखो समझो, जैसे हम हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हो गए, हम भी कहने के कुछ, अब हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम टीजी तैयारी कर रहे हैं, टीजी पीजी और पीटी इंटरवल्स के लिए, तो हम कह रहे पढ़ते होंगे, तो हमारे गुरु को ये पढ़ना कहने जा रहे हैं, जे जी है हमारा, ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा, शिक्षा के टीचर ट्रेनिंग देने वाला मान लो, तो आंसर ये होता है इसका, तो सब नहीं टीचर, देखो बाकी टीचर तो नॉर्मल टीचर है, इधर बच्चा ये तीनों कॉमन आ रहा है, कुछ छात्र भी हैं, कुछ ये भी, कुछ ये भी,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। पति परिवार पत्नी, ये तो बताए दो, पति परिवार पत्नी, पति परिवार पत्नी, पति परिवार एच हो इसका, एच कहां पे पति, हाँ ये हो जाओ, सुनो ये बेचारा पति, देखो बेचारा पति हो गए थे ठीक है, ये पत्नी है सही है, दोनों क्या बनाते परिवार मिलकर, ये पति है बेचारा, पत्नी है बोई वाली, ये पत्नी है बेचारा ही गोल वाली, ये परिवार ठीक है, पति पत्नी सबसे मिलकर क्या बनता है, बनता परिवार मिलकर सबसे। भारत गुजरात सूरत, सी सी यह देखो सुनो, सूरत कहाँ पे है, सूरत पूरा हो गया, सूरत किस राज्य में, गुजरात में हो गया पूरा, गुजरात कहाँ पे है, भारत में हो गया ठीक है, सही है। गर्मी की कहाँ पड़ रही है, तब पहले हमारे यहाँ चट्टाने और भीड़ लाने के चक्कर बाहर से लोग आ रहे हैं ना, सब इसी में हैं, कहाँ के लोग क्या करते हो, समझ में आता है बाहर के लोग आ रहे हैं, कौन बाहर के लोग आ रहे हैं, हम बाहर के हैं, अरे उठाए पटक ना मोल ना कि धमकी ना बजा भाई, कहाँ गए मैं आज तक सकता है, इसको बगल प्रश्न बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है ठीक है, अलग अलग चैप्टर ने आप क्वेश्चन अच्छा है, थोड़े दिखाना ठीक है। देखो एनटीपीसी में पहले कहा था आप लोगों को, जो पुराने लोग पढ़े पढ़ चुके हैं, चैप्टर खत्म हो गया हमारा ठीक है, रफ पढ़ दो, रफ पढ़ दें, आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं सबको समझ में आएंगे। क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, चैप्टर ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये आया फर्स्ट गार्ड में लिखे क्वेश्चन, पुराने बच्चे जो क्वेश्चन कर चुके हैं कहीं ना कहीं है, उनका आंसर आना चाहिए। एक समाज में, ये सोसाइटी में, एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी में देख लिया 200 परिवार हैं, क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन आए हैं यूपी फर्स्ट गार्ड में आया 18 में, तब इसमें आया है 200 परिवार हैं, एक सोसाइटी में 200 परिवार हैं, इन परिवारों में, इन परिवारों में से, इन परिवारों में से 70 के पास एक कार है, 70 के पास एक कार है, मतलब 200 लोग परिवार में, मतलब समाज में है सोसाइटी में, उनमें से 270 के पास एक कार है, तो समझ आ गया, हाँ जी हाँ जी, मतलब 70 परिवार है, क्वेश्चन बोल एक सोसाइटी में 200 परिवार है, इन परिवारों में से, इन परिवारों में से 70 के पास, 70 के पास एक कार है, मतलब 70 परिवार है उनके पास कार है, अरे क्या तो हो गया, लेकिन कोई बाइक नहीं है, वो बड़े लोग हैं उनके पास कोई बाइक नहीं है ठीक है, जे वो लोग जावेद वगैरह हैं और लोग हैं जिनका कार है, वो बड़े लोग हैं, समझे, बताऊंगा हो गया, आगे बोले 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, जी है तुम्हारे सामने 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया दोबारा पुलिस में आया, फर्स्ट गार्ड में आया ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, 200 परिवार सोसाइटी में, 70 के पास कार है, कोई बाइक नहीं है, 50 के पास एक बाइक और एक कार है, आगे लिखो, हाँ 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है,
अब बारी आएगी हमारी। देखो 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक तो हो गया। अब देखो नाम आएगा हमारा इसमें बाइक कार और भाई जैसा में। हाँ, शेष परिवारों के पास, अब जो बचे हैं देखो, शेष परिवारों के पास ना तो कार है ना बाइक है, मतलब हम गरीब हम जैसे हैं। शेष परिवारों के पास हाँ ना तो बाइक है ना कार है, पूरा क्वेश्चन खत्म हमारा ये। शेष परिवारों के पास ना तो बाइक है ना कार है, कुछ भी नहीं है, इतना क्वेश्चन होगा पूरा। अच्छा क्या क्या लिखा हूँ क्वेश्चन, जिसका छूट गया और दुआ लिखे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन है, दुआ बोल रहा हूँ। एक सोसाइटी में 200 परिवार हैं, इन परिवारों में से 70 के पास एक कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है, 50 परिवारों के पास एक बाइक है और एक कार है, 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, शेष परिवारों के पास ना तो बाइक है ना कार है। क्वेश्चन पूछा गया पहला, सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है, सोसाइटी में कुल कितनी बाइक, ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका 50, 115, ठीक है क्वेश्चन सही आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं इस बार। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या है, परिवारों के बीच का अनुपात क्या है जिनके पास केवल एक, कोई वो चला दो एसी चला दो, एसी नहीं कंप्लेन, क्या बात है इतनी गर्मी पड़ रही है। और सुनो तुम लोग जो बोर्ड लगा है भैया, लगता है इन्वर्टर का, इन्वर्टर है ले जाओ उठा घर पे, बेकार है बेकार, ले जाओ उठा घर पे, सब ले सब है, पर हमारा मत लगाना ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लगाना कुछ पे सरकारी चीज है, इतनी बढ़िया हो आप लोग, वो सही हो जाएगा, हम सही करा देंगे, सही करवाओ वरना भी उठाई लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया इसी का, सी ऑप्शन सर, बाइक की तुलना में बाइक की तुलना में सोसाइटी कितनी अधिक कारें हैं, सबको दिख रहा है पीछे, दिख रहा हो ना, दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 4, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है, पास कम से कम एक वाहन है, ऑप्शन है
हम तो नहा के आता है आ रहा है आप लोग नहा के पता नहीं आया नहीं मिल जाता एक एक करते हैं सब लिखिए क्वेश्चन भी समझाते हैं अच्छा क्वेश्चन है ये इसका बोलना भी कुछ होगा इसका क्वेश्चन बोलना है हाँ जी समझा है और प्रश्न कैसे हो बढ़िया हो बताए पहले का आंसर क्या रहा बताए आंसर पहले क्या आ रहा है 115 दूसरे क्या आ रहा है नाइन इश्यू एक और उसका क्या रहा है बार इश्यू एक अब जी को जा रहा है बाइक की तुलना में सी वाला फाइव 181 तो है नहीं कहीं 85 देखिए करते हैं समझिए कैसे करेंगे उसको देखो सोसाइटी यहाँ पर इतना समझा रहा है जो गिवन है क्या क्या गिवन क्या है हमारे पास गिवन यानी जो क्वेश्चन बोला गया क्या बोला गया है एक सोसाइटी हमारे पास सोसाइटी कितने परिवार है 200 परिवार है ठीक है इतने परिवार है उनमें क्या है बाइक किसके पास है 70 के पास बाइक है नहीं कार है वो तो मैंने क्या बोला 50 परिवारों के पास एक बाइक है देखो एक कार किसके पास कार है 70 लोगों के पास और कार प्लस बाइक 50 लोगों के पास यही तो बोला क्वेश्चन मैंने और फिर क्या है केवल बाइक किसके पास है 65 लोगों के पास बड़ा क्वेश्चन हो गया तो मैंने क्या बोला मैंने क्वेश्चन नहीं बोला था सुनो एक सोसाइटी है उसमें कुल परिवार है बस 200 उसमें से 70 के पास कार है 50 के पास दोनों है और 65 के पास केवल बाइक है और बाकी बचेंगे शेष उनके पास कुछ नहीं है जो करते हैं अभी बताओ इस पूरे क्वेश्चन में आइटम कितने अपने पास आइटम कितने दो तो आइटम है कार और बाइक आइटम दो चल रहा है कार और बाइक आइटम आइटम वाले आइटम है वाले आइटम समझ लो लोग लड़कों मतलब खाने पीने वाले तुम खाने कैसे सुन लो यार तो दो आइटम है तो बनेंगे दो गुल्ले यहाँ पे ठीक है दो आइटम है बनेंगे दो गोले इसको चाहे कार मान लो कोई दिक्कत नहीं है चाहे इस गोले कार मान लो इसको बाइक मान लेना ठीक है तो हमारा लिखो मत अभी कोई भी जिसको समझ में आए देख रहे यहाँ पे ठीक है तो समझ आएगा अब ये जो गोला है ये दोनों कॉमन है आधा इधर दोनों कॉमन है नहीं है अरे है नहीं दोनों कॉमन और दोनों क्या है दोनों के पास क्या है बाइक 50 लोग उसमें 50 लोग हुए कार भी है और बाइक भी है पसंद आ गया सही है सही पसंद आ रहा है देखते पसंद आ रहा है बेटा 50 लोगों के पास कार भी है और बाइक भी है जो क्वेश्चन बोला गया ये लाइन हो गई 70 के पास कार है तो कार खुल रही है 70 के पास कार हो गई 65 के पास बाइक है 65 इधर बाइक पर खुल रही है बाइक का 65 बचता हो गया हमारा पूरा डायग्राम बन गया हमारा क्या था 200 परिवार है 50 के पास दोनों है 70 के पास बाइक कार है तो वो बाइक में नहीं आ रहा अभी और इसके पास केवल बाइक है ये इसमें नहीं आ रहा ठीक है अब सबको जोड़ो कितने हो पहले ये 65 प्लस 50 प्लस 70 कितने हो गए 185 हो गए आंसर हमारा लास्ट वाले का आ गया ये वाला इसका आंसर आ गया कैसे आया समझो कैसे आया क्वेश्चन क्या था कितने बोताएंगे बाल पे समझो ये समझ में सबको ये समझ में क्या करा हमने सब मन आ गया कोई पूछना किसी कुछ कैसे आया कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है कम से कम एक तो हो ज्यादा कितने भी हो इसका मतलब क्या है कम से कम अरे आपका कार है गाड़ी है बंगला है जी है वो सब कुछ है लेकिन कम से कम एक तो है ही एक से ज्यादा कितना भी हो कितने हो इसका एक बाइक है एक ही है ये दोनों में तो क्या दिक्कत है एक तो है ही कितने सब ये सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है बाइक का बुल्ला कौन सा ये बुल्ला है बाइक का बुल्ला ये है जोड़ दो इनको कितने हो गए जोड़ लो कितना आ रहा है बाइक कितना आंसर आ गया पूछा गया सोसाइटी में कुल कितनी देखो पूरी सोसाइटी हमारी है पूरी है अब पूछा बाइक कितना बाइक का बुल्ला इतना केवल
भाई इसका एक कार है, एक बाइक है, बाइक तो है तो समय कैसा है ये आ गया। अब क्या पूछा अगला क्वेश्चन हमसे, उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या होगा जिनके पास केवल एक बहन है, केवल एक बहन, और जिनके पास कोई बहन नहीं है। एक बहन वाले कितने लोग हैं? 135। एक बहन जो ये है इसके पास केवल कार है, एक बहन 70, तो एक बहन 70 और बाइक है कितनी है 65, कितना हो गया हमारा ये 135 हो गया हमारा। ये तो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास केवल एक बहन है। क्वेश्चन बोला गया केवल बाइक है केवल कार है, तो दोनों में कौन जोड़ रहे हैं? क्यों दोस्तों दो है, यहाँ पूछा गया केवल एक बहन है, यहाँ लिखा केवल लिखा है तब हम जोड़ेंगे ये, अगर पूछा बहन है तो सब जोड़ते हैं, कम से कम बोलता है एक तो सब जोड़ते हैं, समझ में आ गया। अब पूछा गया जिनके पास कोई बहन नहीं है, ये कैसे निकालेंगे आप? कुल सोसाइटी कितनी है? 200 लोग हैं, सबको जोड़ा, सब जोड़ कितना सब जोड़ हमारा ये आ रहा है 200 से घटा दो आप कितना आएगा 15 है, तो 15 लोग वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, समझ में 15 कौन लोग हैं? 200 परिवार है, कार है, ये है, वो सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया, इतने परिवार वो हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, ठीक है 200 में घटा देंगे कितना आएगा, बचे 15 जिनके पास कुछ नहीं है। हाँ जी हमारी तरह इसमें हम आते हैं, क्या कहें कुछ नहीं इनके पास, कुछ नहीं इनके पास, सही है। पूछा क्या क्या, केवल एक बाइक और अनुपात इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं कितना है 15, अनुपात ये तो लगेगा अनुपात हमारा भाई, अनुपात ये तो होगा, समझ में आ रहा है सबको, काट लो 15 कर दो, कट रहा है तो काट लो, 15 एकम 15 15 नहीं 135, क्या आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझे, समझे फिर से एक बार समझो, पूछा गया उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या है जिनके पास केवल लिखा है केवल केवल एक बहन है, तो क्वेश्चन मैंने बोला था सुनम बोला था बोला क्वेश्चन मैंने केवल कार है 70 के पास और केवल बाइक है, केवल एक की तो बहन है, जोड़ दिया वो ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पूछा था जिनके पास कोई बहन नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया था कम से कम एक बहन कितने लोगों के पास, इतने लोगों के पास है कम से कम, कुल लोगों का 200 घटा दें कितना है 15 लोग ऐसे जिनका कुछ नहीं है, पूछा अनुपात ये हो गया एक बहन अनुपात ये हो गया 15 काटेंगे तो ही आ जाएगा हमारा आंसर, सही है सही है। जावेद हंसी क्यों आ रही है ना, क्या सही है ना क्या ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन नंबर, बाइक की तुलना में मतलब कंपेयरिंग टू बाइक, बाइक की तुलना में सोसाइटी में कितनी अधिक कार है, ये पूछा है। तुलना में क्या होता है प्लस या माइनस, घटाते हैं हम प्लस कौन कह रहा है, तुलना कर रहा है तुलना, तुलना यानी कंपेरिजन टू माइनस होता है घटाते हैं। पूछा गया बाइक की तुलना, बाइक कितनी है हमारे पास, बाइक कितनी है देखो, बाइक का मुल्ला ये है हमारे पास, बाइक का मुल्ला ये है, कितनी बाइक है हमारे पास 115, ठीक है। फिर पूछा गया कार, कार मुल्ला ये, कार मुल्ला, कार मुल्ला ये, कितनी कार है सब, क्या पूछा गया अंतर तो घटा दो यहाँ पे कितना आएगा 5, मतलब इसका 5 कार है यहाँ पे कम है, समझ आया नहीं है सबको, जिसको ना समझ आया ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे अभी एक और, ठीक है सेम क्वेश्चन बोलेंगे ऐसे करना है, दो क्वेश्चन बोलेंगे फिर चैप्टर खत्म, चैप्टर चल रहा है बेंड डायग्राम चला जाओ आगे तो बुल्ला बेंड डायग्राम वाला वो चल रहा है, जिसको दिक्कत हो पूछे कि कहां से क्या आया, ठीक है पूछना जरूर, मैं तो कह रहा हूँ बताऊँ आपने एक इम्पोर्टेंट बताऊँ।
ये वाला पूछा बाइक की तुलना में, देखो रुक जाओ, बाइक की तुलना में बाइक का मूल्य ये पूरा कितनी बाइक है ढूंढ लो, ढूंढने कितना है हमारा 135 आएगा, 115 आएगा, ठीक है। फिर पूछा गया कार, कार मूल्य ये 120 आएगा ढूंढने का। पूछा गया तुलना, तुलना एडमिट अंतर घटा देंगे आपको 5 आ जाएगा, ठीक बढ़ा दें तो क्वेश्चन लिखिएगा बढ़ा दे पाते। क्या हुआ ऐसे ही क्वेश्चन को सेम एनटीपीसी में आया रेलवे में, और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी का, अगले फॉर्म होंगे 10,000 प्लस वैकेंसी का आधार पर। देखिए क्वेश्चन, एक घर में, एक घर में, घर समझते हैं, एक घर में गर्मी लग रही है, ये थोड़ा सीधे खुल दो विंडो, खुल ले, खुल अरे मिल जाएगी। एक घर में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, ये होंगे अंग्रेज लोग, एक घर में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, हाँ जी, एक घर में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, हो गया, 40 लोग केवल चाय पीते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, पर थोड़ा अलग है, सेम थोड़ा तो दिक्कत होगी ना। एक घर में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 लोग केवल चाय पीते हैं, ठीक है, हो गया। आगे 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 25 लोग जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 25 कौन है 25 वाला, 25 टू लिखो, 5 लिखो, 25, ठीक है, 25 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20 लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं आजकल ऐसे, अरे क्या हो गया, क्योंकि हमें हवा नहीं आती इसलिए कह रहा हूँ, आप भी देखो थोड़ा क्यों होती गर्मी, 20 लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं, ठीक है। आगे अब आएंगे हम जैसे लोग, आने देखो 15 लोग, देखो 15 लोग, 15 लोग आप बोल दो, आप बोल दिया क्या, 15 लोग, अरे 15 लोग तीनों पीते हैं, 15 लोग चाय कॉफी दूध सब पीते हैं, जो मिल जाता है हमें कुछ मिल जाए हजम हमारे लिए, मिलता नहीं तो मजबूरी है, एक घर में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 लोग केवल चाय, 25 चाय कॉफी दोनों, 20 चाय और दूध दोनों, और 15 पीते हैं तीनों, ठीक किया है। ठीक है बनाइए, तो कुछ नहीं किसी बदल दो, देखिए ऐसे ही होगा ना, आपका क्वेश्चन ऐसे ही है, इसके करिएगा। क्वेश्चन पहला, दो क्वेश्चन है इसके, पूछा गया क्वेश्चन पहला हमसे क्या पूछा गया, चाय पीने वाले, चाय, चाय पीने वालों, 100 रुपए चाय पीने वाले,
सी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन आएगा पहला आपके पास 30, कुछ भी 10, 70, 40। क्वेश्चन नंबर दूसरा है लास्ट इसका, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या केवल कॉफी पीने वालों की वाले लोगों की संख्या तीनों पीने वाले लोगों की तुलना ये होता ना कितनी है। ऑप्शन है 15 अधिक भी हो जाएगा, 15 कम अभी एक मिनट, सी 20 कम, डी 5 अधिक। ये क्वेश्चन है अब देखिए इसमें आइटम कितने हैं, इसमें आइटम तीन है, चाय कॉफी और दूध, तो घोड़े वाले में तीन आपके, ठीक है। चाय कॉफी दूध तीनों आ रहे हैं,
होगा ये 15 लोग, 15 लोग होगा हमारा, ठीक है। आगे क्या है, अब आप दो पे, फिर दो लोग कौन है जो चाय और दूध पी रहे हैं, बताओ चाय दूध बोलो कौन सा है इसमें, चाय और दूध का बुल्ला कौन सा है, चाय जी है दूध जी है, तो देखो ये तो बुल्ला है, देखो कॉफी का देखो, सुनो ध्यान दो, कॉफी ले जा रहा है कॉफी जी, कॉफी सुनो बात हो रही चाय दूध की, तो ही होगा कितने लोग, 20 लोग चाय दूध में आ रहा है और चाय में आ रहा है, होगा 20 लोग, ये सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहो हाँ ठीक है। अब देखो चार पानी 25 लोग हैं, देखो चाय ये है कॉफी है, कितने लोग हैं, ये 2 लोग होगा यहाँ पे हमारे, सही है इतना, देखो चाय और कॉफी 25 लोग, चाय का बुल्ला इसमें भी आ रहा है कॉफी इसमें आ रहा है, हो गया। अब सिंगल वाले 30 लोग केवल कॉफी, तो 30 लोग होगा कॉफी वाले, केवल कॉफी वाले में 40 लोग केवल चाय, ये होगा, ये बनेगा पूरा डायग्राम आपका, ऐसे बनेगा पूरा बेल्ट डायग्राम, ऐसे बनेगा फिर समझे एक बार, बीच में देखो 3 लोग हैं तो बुल्ला ऐसे बनाना, 3 है 15 15 3 लोग हैं, 15 ऐसे भी आ रहा है, 15 ऐसे भी आ रहा है, 15 ऐसे भी आ रहा है, फिर है चाय और दूध, चाय ये हो गई, चाय ये दूध ये, फिर है कॉफी और ये, ठीक क्यों हो गया बता, कोई समस्या है यहाँ का, ऐसे में ना भाभी छब्बास आंसर क्या आंसर बता, अरे ज्यादा हो गया, 30 दूसरे का देखिए करते हैं, ये डायग्राम देखो समझ में आया था पहले, किसको समझ में नहीं आया पूछ लो, सर ये वाला नहीं होगा, 15 अधिक होगा, अरे दो बुल्ले काले करोगे, बुल्ले तो एक ही काले करोगे एग्जाम में, दो बुल्ले काले करोगे, बोले जे भी हो रहा है, नहीं जे भी हो रहा है, जे भी सब बुल्ले काले करोगे, हाँ कहाँ ठीक करे बताओ, देखो थोड़ा समझो, क्या नाम है आपका, नाम बोलिए, क्या नाम आपका, नाम कंचन, मैं ऐसा बता ना नाम तो गन्ना क्या था, जलेबी भाई वाला नाम, जलेबी भाई है, जो करते हैं बनाते हैं, समझ समझ फिर से, 3 लोग हैं चाय कॉफी दूध, तो बना के 3 बोले दो, दोबारा हम दोबारा जिसको समझ में आया दोबारा देखो, किसी को कुछ मान लो, किसी को मान लो, उसको चाय मान लो, ये कॉफी मान लो, चलो किसी मान लो, ये दूध मान लो, ये हो गया कॉफी, समझे, जिसको ये समझ में आया वो ये देखे दोबारा, अब जब ना देख लो, देखो होती क्या, देखो ये जो ये बेचारा बोला है ये वाला, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों मारा नहीं आ रहा है, लिखा क्या 15 लोग चाय कॉफी दूध तीनों पीते हैं, 15 लोग ही हो गए, क्या देखो दूध में भी आ रहा है ये, और ये बुल्ला इसमें चाय भी आ रहा है, ये बुल्ला 3 लोग होगा हमारा, ये तो अगला क्या है, 2 लोग क्या है चाय और दूध, तो देखो चाय और दूध कॉफी नहीं है इसमें, तो कॉफी बोला दे दो, कॉफी का ये ना है, ये बच्चा हमारा इसमें भी आ रहा है चाय में और दूध में, चाय और दूध 20 हो गए, देखो चाय में आ रहा है और दूध में आ रहा है, ठीक है। अब बच्चा 25 लोग क्या पी रहे हैं, चाय और कॉफी, तो ये आगे दो 25 लोग चाय और कॉफी, ठीक है यहाँ पे। अब बच्चे सिंगल 40 लोग चाय, 40 लोग ये चाय, 30 लोग कॉफी, अब ठीक है समझ में आ गया, क्वेश्चन देखो पहला क्या है, चाय पीने वाले समझो, चाय पीने वालों और कॉफी पीने वालों, पहले तो चाय कितने लोग पी रहे, देखो चाय पीता चाय, चाय का बुल्ला कहाँ था, देखो चाय का जिद जा रहा, देखो जिद जा रहा, देखो जिद जा रहा, देखो ये जा रहा भाई, चाय बुल्ला जी तो है, चाय बुल्ला है ये, चप्पल झोड़ लो कितना हो गया, सुनो अगर यहाँ पे लिखा होता केवल चाय, तो हम केवल ये लेते 40, यहाँ पूछा चाय पीने वाले सभी लेंगे, जो सुनो चाय पीने वाले लोग, तो इस गोले में जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं चाय पीने सभी लोग, कितने होगा सभी जोड़े पक्का, सो जी आगे आगे पढ़ो, इसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ो, तन पढ़ लिया चाय पीने वाले निकाल लिया, कॉफी पीने वालों कॉफी वाला है ना, कॉफी का ये जा रहा, ये जा रहा, ये तो ये तो ये जा रहा, ये बुल्ला चाय कॉफी का है, जोड़ो कितने हो गए, ये हो गए चाय और क्या है 25 + 15 + 30 कितने हो गए 70 हो गए, ये कॉफी, पूछा क्या गया हमसे सम क्या हुई अंतर, भाई घटा लो नहीं घटा पाओगे, 30 या 5 हो जाए, सही है, कैसे करना इसको, मेन इसमें डायग्राम, डायग्राम बन गया आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फिर
अब देखो यहाँ शब्द क्या आ रहा है, यहाँ शब्द आ रहा है केवल कॉफी, केवल। अब ये गुल्लक पूरा नहीं आएगा क्योंकि दोनों लोग पीरा, ये दोनों केवल कॉफी कितने लोग हैं, 30 लोग। क्यों ऐसा क्यों, यहाँ लिखा केवल लिखा ओनली फॉर कॉफी, ठीक है, ओनली फॉर की कॉफी, कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, केवल कॉफी 30 हो गए। अब आगे बढ़ो, उसके क्या लिखा, इसका आगे बढ़ो, तीनों पीने वाले, तीनों लोग कितने पीने, तीनों कितने लोग, देखो तीनों ही, ये कितने, 15। क्या पूछा गया है, तुलना कितना रहा, 15 उत्तर आ रहा है। पूछा क्या गया, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों में मात्रा में कितनी है, 15 ज्यादा है, ज्यादा है नहीं है, ये 15 ज्यादा है, 15 कम है, 15 ज्यादा आंसर हो जाएगा आपका। क्यों ऐसा क्यों, हमने पूछा केवल पूछा कॉफी वाला, कॉफी वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ये तीनों लोग पी रहे हैं कॉफी, पी रहे 30 लोग, तो ज्यादा 30 है, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, सही है, समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस एक क्वेश्चन हो रहा है, एक नहीं दो क्वेश्चन हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो लाएंगे फिर चैप्टर खत्म। क्वेश्चन अच्छे आपको सर, सही लग रहा है, सही लग रहा है, पटी सलमान है आपको, शिवानी सलमान आप लोग, फिर अर्चना है, पूजा सर, आप कहते हैं कि 15 कम है तो गलत कैसे होगा, 15 कम है, पूछा केवल मुझे कॉफी पीने वाले तुलना में लोगों की संख्या कितनी तुलना है, कॉफी पूछा गया, पर कितने अधिक है, 15 अधिक, केवल सुन लो पहले मेरी बात, है क्या लिखा, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या 30, तीनों पीने लोगों की संख्या की लिखा, की कितनी अधिक है, कितनी तुलना की, यहाँ तक से होता है तब सही था, की तुलना कितनी है, सुनो लड़के बेचारे ये लड़कियां, तो नहीं लड़के बेचारे ये लड़कियां ही हैं, ठीक है, अब लड़के की तुलना में लड़के तुलना लड़के बेचारे कितनी है, तो लड़के कितने होंगे, अधिक अधिक लिखेंगे, कम से कम लिखेंगे, पूछा गया मेन पूछा गया, लड़कों को पूछा गया, तब देखेंगे आप, अब देखो से में और के में बहुत अंतर है, ठीक है, क्वेश्चन बोलिए अगला, ये है एसएससी टेंथ में आया है एनटीएस में, देखो बोले देखो जो क्वेश्चन है सेम बिना डायग्राम हो जाएगा, 1865 1865 1865 1865 लोगों में से 660 ठीक है, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, गिटर पिटर वाली समझ में नहीं आती है, ठीक है, 660 लोग अंग्रेजी बोल सकते होंगे यहाँ तक, मोनी क्या हुआ, तुम तो अलग बैठे क्या हुआ, हम पता क्या लड़ते रहते हैं, उन्होंने लड़ते बहुत हो गया यहाँ तक, और 1305 और 1305 मराठी बोल सकते हैं, मराठी 1305 1305 मराठी बोल सकते हैं, इल्ले पिल्ले वाली है ना, हो गया, परंतु 120 लोग, परंतु 120 यानी 120, परंतु 120 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ये हमारे तरह उनमें सिंपल व्यक्ति कुछ नहीं बोलते हैं, गूंगे बह रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा है, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ना अंग्रेजी बोलते हैं ना मराठी बोलते हैं, परंतु 120 दोनों में से कोई सी भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है विमल, समझ में आ रहा है इतना, आवाज पहुंच रही है, जी जी क्या कर रहा है, हाँ है ना, हाँ आप सही है, जी हाँ जी ठीक है जी, देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन दोबारा करो, रिपीट सुनो, कब हो गया,
1800 रिपीट 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 कुछ भी नहीं बोले दोनों में से। तब पूछा गया है कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बस तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों कौन सी, अंग्रेजी और मराठी, तो कितने लोग 1965 1800 लोग पूछे ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है, देख रहे 1800 लोग है 1900 का अच्छे ना बहुत तेज हो रही के बाद नहीं सर बात तो है तो लोग और कम होंगे ज्यादा होंगे तो ज्यादा कैसे रहा आपके 43 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 220 240 120 105 कितना देखा हाँ जी किस पर 220 ये आ रहा है मिस लक्ष्मी जी का देखो देखो वो आ गया है करें इस बार लास्ट क्वेश्चन को सेम ऐसा ही कुछ अलग काम है हाँ देखा बच्चा से हाँ ये भी सब तरह सही है नहीं ये भी सही है सब सही है ये समझो 1800 ये कुल लोग कितने हैं
अरे जाओ एक मिनट, कुल लोग आए 1865 लोग, कुल हमारे पास 120 कुछ नहीं बोलते हैं, तुम तो हटा देंगे यहाँ से, हटा दिया हमने, इतना बचा जो यहाँ निकाल दें, इतना बचा हमारे पास। अब पूरी कहानी चलेगी इसके ऊपर, कुल लोग खाली ही बचे हमारे पास, अभी बचे हैं, तो यहाँ से इनका निकालो, अंतर इतना आ रहा है, अंतर इतना है यहाँ पे, और क्रिकेट दोनों खेलते हैं।
कितने विद्यार्थी फुटबॉल और दोनों पे से देखो समझो आंसर आ गया। अब देखो जिसको सवाल जो मैंने कराया वाला जिसको ना समझ आया सेम सवाल जो करेंगे सेम ऐसा ही है उसको सवाल ये समझ नहीं आया अब जो करा सेम जो कैसे है कुल विद्यार्थी कितने बताओ जरा 50 समझे भाई कुल विद्यार्थी 50 हैं समझे यहाँ पे इसको लिख लो साथ में इस क्वेश्चन को भी देखो इस क्वेश्चन ले लेना साथ में इस क्वेश्चन देखो और यहाँ पे क्या था यहाँ पे थे कुल कितने लोग थे यहाँ पे सारे क्वेश्चन में पुराने वाले में कुल लोग थे यहाँ पे 1865 ठीक है यहाँ तक सेम सेम हो गया। अब इसमें क्या है 12 विद्यार्थी हैं जो किसी खेल में नहीं खेल रहे हैं जो कोई खेल नहीं खेला है अब ऐसे विद्यार्थी को निकाल देंगे उनको हटा देंगे हम घटा दो भाई 12 विद्यार्थी कुछ नहीं खेल रहे घटा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब जो बचे हैं ऐसे इसमें जो था 120 लोग क्या थे 120 लोग कोई भाषा नहीं बोल रहे थे घटा देंगे 17 से 45 आ गए मेरा समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं कुल 50 लोग थे 12 लोग कुछ नहीं खेलते हैं घटा दिया हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था इतने लोग थे 120 लोग कुछ नहीं बोलते थे घटा दिया हमने इत्यादि। अब इसमें ऐसे देखो जो कहानी बची खाली इतने अब देखो मेन लोग इतने 38 पूरी कहानी में कुल बची है अब क्या था देखो क्रिकेट कितने लोग खेलना होता है 28 और फुटबॉल कितने खेलना है फुटबॉल नहीं फुटबॉल है फुटबॉल कितने लोग खेलना है 17 रुक जाओ अभी इसमें क्या आता अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं अंग्रेजी 660 लोग बोलते हैं अंग्रेजी ठीक है और मराठी 1305 बोलते हैं ठीक है तो समझ आ गया सेम 16 समझ समझा रहे हो। अब ये दोनों मिलो कुल कितने हो रहा सर मिला ले कितने हो रहा है 45 ये मेरा कुल कितने हो रहा है ये मेरा आपको 1965 सही तो समझ आ रहा है। अब देखो कुल लोग ये बचे हमारे पास आ इतना रहा है कुल बचे ये आ इतना रहा है भाई ज्यादा तो आ रहा है हमारा ये भी तो उससे ज्यादा आ रहा है ज्यादा तो ज्यादा क्यों आ रहा है ज्यादा इसलिए आ रहा है कि इसमें वो लड़के भी शामिल हैं जो दोनों खेल रहे हैं ये भी खेल रहा है ये भी खेल रहा है लिखा ना अंतर लेकर अंतर कितना अंतर है यहाँ पे बता दो कितना अंतर आ रहा है 45 माइनस का 38 7 आ रहा है तो 7 इसका आंसर हो जाएगा 7 लोग वो हो जाएंगे जो ये भी खेल रहा है ये भी खेल रहा है। एक मिनट रुको अब हम क्या करेंगे घटा इसका कितना आ रहा है 1900 1745 220 अब ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो ये बोल रहा दोनों भाषा बोल रहे हैं समझ आ गया सर दोनों समझ आ गए दोनों क्वेश्चन समझ आ रहा नहीं आए मनीषा ठीक है चाहिए चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये कौन है बताओ पूछो अरे सबके साइन होंगे वेस्टर्न का भी अध्ययन में देखो बैंड डायग्राम में क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आ रहे हैं वो तो कमा रहे हैं राजरानी ये तो कमाते हैं कि भारत है भारत हो गया इसके ये क्वेश्चन कमाते हैं ऐसा कुछ ज्यादा आ रहा है आजकल ठीक है बिल्कुल ध्यान देना आपको राजीव थोड़ा सा भाई थोड़ा आगे और पिछले चले यार फोटो वाले पिछले यार पीछे यार बहुत बहुत जरूरी है ठीक है देखो रख पढ़ते हैं इसको आप चैप्टर शुरू करें ना दूसरा ये खत्म हो गया कल भी आप पढ़ा हमने आज ही पढ़ा किसी को अगर पूछना तो बताओ पूछना किसी को कुछ आगे बढ़े ठीक पूछना किसी को कुछ पूछना है सही है साइन भी रजिस्टर आ रहा है मैं इसे थल्ले जब सवानी क्या करोगे
सर ये मिल जाए रिश्वत पड़ेगी फ्री में बना दी रख कॉपी एक मिस्टर राजीव भाई बता सुनने आवाज आ रही है राजीव देखो जब तक आ रहा है वो वाला आसान था ठीक है पर कल 12 बजे आना पड़ेगा तो हो पाएगा चक्कर वो चपड़ा में मारा ये वाला समझो हंडे पड़े सब समझ आएगा बस रज पर बट पहले लिखना मत कोई भी समझ लो खाली बस ठीक है सब कुछ नहीं हुआ कि लिखोगे तो लिखते रह जाओ भाई ठीक है समझो साइन हो गए इसमें कौन आ गया बताओ है कि प्राणी बहुत बड़ी शाबाश और कोई आ जाओ उठा कर दो आ जाओ मेरे बाप आ जाओ देखिए करते हैं इसमें केवल आपको यार हमने सिंबल खाली सिंबल कौन सा देखिएगा थोड़ा समझ लो चीज को समझ लो चपड़ा अच्छा है हाँ दादा मान लो परदादा मान लो पापा कुछ मान लो भी अच्छा है हाँ दिया था साइन कर दिया आपको देते जब नया कराई कटन होती है अब देखो समझो सुनो सुनो सामने पीछे ये जो चिन्ह है हमारे इनको माने राजा हूँ क्या बोले तो इसको राजा मानेंगे इसको मानेंगे चिन्हों को मानेंगे मंत्री बीच में क्या जनता उसका पिस्ती हमारी पिट जा क्या जनता पढ़ाई अच्छा चैप्टर है समझो ये क्वेश्चन से आना आना 100% अब इसको मतलब कैसे मतलब समझो क्या है इसको मतलब क्या है जो चिन्ह ये वाला ये कैसे बनता है चिन्ह ये चिन्ह है बड़ा वाला प्लस ये बराबर का ये है ये चिन्ह है अगर इन दोनों को मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा बनेगा ये चिन्ह यानी कि चार और दो चार बड़ा है दो से बराबर है इसको हम क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे चार बड़ा है दो से बराबर है ठीक है यह तो जरूर निपास बेहतर है यार क्या रखेंगे आप लोग कि राजा मंत्री प्रजा ठीक है कैसे अब समझो ये बना है सिंबल अगर हमको इधर से इधर जाना है तो इससे एंट्री है क्यों इसमें गेट है समझो गेट लगा गेट गेट खुला है आपका तो क्या प्रवेश ले सकते हैं यानी कि एंट्री है एंट्री है अगर इधर से आएंगे अगर हम इधर से तो यहाँ पे एंट्री नहीं है एंट्री क्यों नहीं है समझो एक किवाड़ है कि बढ़िया है जो बंद है कि यहाँ पे एंट्री इधर से इधर नहीं आ पाओगे आप एंट्री नहीं है क्या है प्रवेश निषेध इट मीन्स नो एंट्री बस इतना ही रूलिया रखना है रूलिया रखना है अगर मुंह खुला हुआ आपका तो इधर से इधर आ जाओगे आप अगर मुंह बंद है तो इधर कभी नहीं आ पाएंगे ठीक है समझो अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन का आता क्वेश्चन ऐसे कथन आता है ऐसे कथा है पहला तो क्या बताओ देखो दो तीन एग्जाम्पल समझ लो फिर जिसको ना समझना है पूछना ठीक है अब लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा पक्का लिखा है एफ बड़ा है बी से जो बड़ा छोटा भूल जाओ कि बड़ा है छोटा सा मतलब है नहीं इसमें मैथ नहीं पढ़ना ये रीजनिंग है निष्कर्ष कैसे कंक्लूजन पहला निष्कर्ष है इसका जी एफ दूसरा है सी जी बस इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर समझा रहे हैं कथन हो गया अगला दूसरा
जो भी जी उल्टा है वो इसका दर का इसका क्या होगा कि शांति क्यों है उस तो बोलो थोड़ा चुपता आप ऐसे चुपचाप बैठे तो करते हैं बोलो अच्छे लगता है क्लास में पर मैं आ गया नहीं तो हमने समझाया कब हमने भी बाबू समझाया कब हमने अब समझो समझाने आप समझ में आया तब कहना आप समझो खाली ये समझो मेन ये गेट इधर समझो ये समझो गेट है खुला हुआ है तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप आगे बढ़ जाएंगे उधर से आएंगे गेट बंद है तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे आप असल क्वेश्चन क्या पहला ये ऐसा लिख के आएगा एग्जाम में क्वेश्चन से लिख के आएगा ये पूछा जाएगा क्या पूछा कि कौन सा सही है ये पूछा जाएगा इसको हम करेंगे ऑप्शन से इसको क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन करेंगे ऑप्शन पहला क्या होगा चेक करेंगे देखो ये अलग कराऊंगा इसको क्या लिखा है जी लिखा है ये लिखा है क्या हम इधर से इधर आ सकते हैं बताओ नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये गेट बंद है हमारा ठीक है तो हम क्या चेक करेंगे हम करेंगे उल्टा इधर से इधर आ जाएंगे हम मत लिखो लड़की क्या नाम है मत लिखो हाँ मतलब समझ ना समझ नहीं आएगा नहीं समझ नहीं अच्छी लगता है देखो अब तो इधर से इधर चेक करेंगे क्या चेक करें इधर से क्या आ सकते हैं हम हाँ आ जाएंगे गेट पर आ जाएंगे अब चेक करते इसमें हम क्या हमको ऐप से जी पे जाना है इधर से तो हम जा नहीं पाएंगे एंट्री नहीं आते हमारी समझो हमको जाना है सुनो ध्यान से अच्छे से ऐप से जाना है जी पर और चला जाएगा एंट्री हो रही है अब जो ऐप कहाँ पे ऐप ये जी कहाँ पे इसमें जी है अब देखो एकदम तो जाकर नहीं उड़के हम उड़के नहीं जाता हम भूत थोड़ा ना चले जाएंगे उड़के आते हम थोड़ा हम पट सुहा ऐसा नहीं है हाँ वो देख लेंगे हम जाएंगे स्टेप बाई स्टेप देखो देखो सुनो इधर से इधर आ जाएंगे हम एंट्री हो रही चले जाएंगे हम गेट खुला हुआ है चले गए इधर अब यहाँ चले जाएंगे क्या हम क्यों गेट बंद है हमारा तो गलत हो गया क्वेश्चन और पहले ही गलत हो गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे देखो अगर आगे जाता तब आगे जाते हम अब यह अगर हमारे नहीं आगे नहीं बढ़ना है एंट्री नहीं है गेट बंद है तो गलत हो गया आंसर समझा गया अब चेक करते हैं बार जी से कहाँ पे आना सीट पे सही कर रहे हैं क्या हम ये नहीं क्योंकि एंट्री नहीं है तो जाए कैसे तो हम क्या चेक करेंगे हमेशा चेक करेंगे सी से जी की ओर कैसे जहाँ पे गेट खुला उधर जाएंगे गेट खुला ये वाला तो इधर से इधर जाएंगे इधर से नहीं आने तक ठीक है अब देखो गेट आगे सी कहाँ पे देखो सी कहाँ पे सी है और जी कहाँ है जी है सी से जाना है जी पे जाना है आपको कैसे जाएंगे देखो यहाँ किन बराबर का है आ जाएंगे आ गए अब देखो एंट्री हो रही है नहीं हो रही बताओ गेट खुला है बंद है गेट खुला है आ गए हम आ गए पे गेट खुला है बंद है खुला है आ गए आसानी से आ गए तो ये सही हो जाएगा क्या टिक करेंगे हम लिखेंगे क्या पे टिक करेंगे निष्कर्ष आंसर का टिक करेंगे हम अपना सेकंड सही है सर मैं कौन सा आंसर ये आंसर हो जाएगा आप समझे उसको ना समझ में आया वही समझे क्वेश्चन अगला कैसे हम चेक करेंगे एम से पी पर आएंगे क्यों यहाँ पे गेट खुला हुआ इसलिए ये से नहीं आएंगे ठीक है अब देखो चलना शुरू करेंगे कहाँ चलना शुरू करेंगे एम से एम कहाँ पे हमारा एम भैया एम हो गया टी कहाँ पर टी है टी पर क्या आ रहा है ये गेट खुला है आ गए इधर हम आ गए गेट खुला है आ गए टी पे हम आ गए यहाँ पर जाना सही हो गया सही मारा सही हो गया ठीक है ईशन मारा है ऋषभ अब देखो ऑप्शन दूसरे चेक करेंगे एम से सी पर आ सकते हैं क्या हम नहीं क्यों गेट बंद है इसलिए नहीं आ गए तो कहाँ जाएंगे हम चेक करेंगे उल्टा सी से एम पे सी ये है एम ये है देखो सी से टी पे आ गए हम आ सकते हैं गेट खुला आ जाएंगे अब आई से टी पे आ जाएंगे हम क्योंकि गेट बंद है हमारा गलत हो गया हमारा तो आंसर ये हो जाएगा सन्ना है कैसे करेंगे हम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा समझ में आ जाएगा ठीक है इसको लिखना लिखो इसको मेन ये है एंट्री हो रही सही है नहीं हो रही है ये राजा है मंत्री क्या बोलते हैं इसको बता दिया आपने कुछ मान लो पापा बेटा कुछ मान लो कुछ अलग बात है क्या मीनिंग है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है तो क्या हुआ यानी ए बराबर बराबर हो रही है इस टाइप से आएगा वो लेसन में दोबारा क्वेश्चन नीचे क्या पूछा ये जो बोलो बोलो लेस देन इक्वल टू इन दोनों निशानों में बराबर मतलब अंतर क्या है
इनमें और इनमें अंतर ये है, समझो ये है राजा, जैसे मैं हूँ समझो, मैं राजा, मैं राजा हूँ आप लोगों का, ठीक है। जब तक मैं नहीं, मैं टीचर हूँ, जब तक मैं नहीं क्लास में हो जाएगी कितना धीमे आ जाओ आप लोग पुकारी करते हो, नहीं होगा। जैसे ऐसे जे अगर इसमें अगर राजा नहीं होगा तो सभा शुरू होगी नहीं हमारी, उसने कराया बोला। जैसे एक क्वेश्चन था, ये देखो ये चिन्ह था, ये चिन्ह हमारा राजा चिन्ह, ये देखो आप पढ़ रहे आप मैथ लगा रहे हैं, मैथ क्या लगा रहा है, सी ग्रेटर देन जी ये लगा रहे हैं, ठीक है। देखो देखो ये राजा सुब्रमण्यम, हमने राजा हमने जी से कहा सी से ही पे गए, हम यहाँ से आ गए आराम से आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सिंबल सुनो, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा क्वेश्चन रुको, एक मिनट रुक जाओ। सी से जी पे गए, हमारा आ गया, सही हो गया सिंबल, तो ये सिंबल है। अगर यहाँ पी होता ऐसे तभी गलत था, गलत क्यों था बताओ, राजा है नहीं, वही बात है। देखो इसलिए जनता आ गई, जनता तो मंत्री गए, मंत्री फिर मंत्री आ गया, भैया राजा की बात हो रही, राजा है नहीं तो सभा शुरू कहाँ आ जाएगी, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर राजा था, मंत्री से राज जनता मंत्री राजा है सही हो जाएगा, सर मारा नहीं आ रहा है, सही है, समझा गया पढ़ लो, ये चीज आ रहा है। मंत्री माना ये बड़ा छोटा सिंबल, सबसे बड़ा सिंबल ये माना जाता है हमारा, मेन ये सबसे बड़ा, बता ना बताती ऐसे मान लो शेर चीता ऐसे मान लो, जो समझा तरीका समझा लेगा अपना अपना। और कल चैप्टर खत्म करना ये वाला, ठीक है। तो कल जिसको चैप्टर पढ़ना है पूरा आना सुन से पढ़ना है ये। हाँ हाँ सही, हाँ सही कह रही हूँ, कथा ने हमारा अगला जा रहे हैं, छह है ना, क्या हो गया।
नीचे से कहाँ चले जाओगे? नीचे ले जाओ, बताओ कहाँ जाओगे? सर जाओगे मतलब कैसे? ऐसे ऐसे तो बात तो है, चले जाओ जाओ तभी ऐसे ही बात तो वही है। हमने एरो ऐसे लेवल में चले जाओ बात तो वही है, तो उल्टा नहीं जाओगे क्या? आप एंट्री नहीं यहाँ पे तो नहीं जाओगे ना। ठीक है समझ लीजिए, समझ आएगा सबको। कल चैप्टर ये चलेगा और कल ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं इसमें, कम आते क्वेश्चन इसके। ठीक है ये टाइम से आना कल 12 बजे, इसको चैप्टर पढ़ना अच्छे से। एक दो क्वेश्चन आते हैं पुलिस में एसआई वगैरह में, ठीक है? और पेपर आपका आ गया है, पढ़ लो अच्छे से, 55 नंबर की रीजनिंग है, ढंग से पढ़ लो, बन जा कुछ।